नमस्ते डॉक्टर मंगल सिंह सर, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ आए, ये पॉडकास्ट में आप भाग ले रहे हैं। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज शादुल में, राइट? और आपकी जो हिस्ट्री है, आप तो 20 साल के ऊपर टीचर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। मेरा नाम रमेश स्वामी है, मैं उन्नति संस्था से हूँ, बेंगलुरु से हूँ। आपके कॉलेज में बहुत शुक्रिया, बच्चों के लिए हमने प्रोग्राम चलाया है, तो आपने बहुत मदद किया है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपके तजुर्बे में, मतलब मैं आपका तजुर्बा इतना ज्यादा है, आप रायपुर में रहे हैं, शहडोल में हो अभी 5-6 साल से, उसके पहले आप बारामूला में काम किए हैं, नवोदिया स्कूल वगैरह में, तो एक संक्षेप में आप जरा अपने एक जर्नी बताइए सर, आपके बारे में कैसे शुरू हुआ, आप कैसे, आपके बारे में बताइए सर। सर मैं 1 मार्च 1999 को बारामूला जिला बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में किया था, फिर लगभग 5 साल 2003 में एज ए हिंदी टीचर। मैं एमए हिंदी से और बीएड करने के बाद क्वालिफाई किया, नवोदय विद्यालय सिलेक्शन हुआ, तो मुझे फर्स्ट पोस्टिंग बारामूला मिला सर। और जब मैं ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो मार्च के महीने में सर रास्ते जाम थे बस, लेकिन किसी तरह मैं पहुंच गया। एक प्रिंसिपल साहब भी मिले हायर सेकेंडरी को, उन्होंने अपने घर ले गए बारामूला में। फिर सुबह हमको जवाहर नवोदय विद्यालय साई कोर्ट पहुंचाए जहां पर स्कूल था, और वहां लगभग 5 साल। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुस्लिम है, हम अपना ही भाई हमको समझते थे। हम उनके घर जाते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे और बहुत स्वागत भी करते थे, क्योंकि वहां हिंदी बोलने वाले कम थे, हिंदी पढ़ने वाले कम थे, इसलिए वहां के अभिभावक चाहते थे कि हिंदी पढ़ें बच्चे, क्योंकि जब हम दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, या ये माने इधर आते हैं प्लेन एरिया में, चाहे वो भोपाल हो, लखनऊ हो, तो उनको हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना, या वो अधिकांश बोर्ड हिंदी में लिखा रहता है तो उनको दिक्कत होता था, इसलिए बोलते थे कि हमारे बच्चों का असर, हमारे बच्चों को हिंदी इतना सिखाइए ताकि बोलना पढ़ना सीख जाए। तो हमने क्या है, 5 साल में सर बहुत अच्छा पढ़ाया भी, उसका रिजल्ट वहाँ दिखने लग गया था। हमारे प्रिंसिपल साहब फेयरवेल में बोले भी कि हमने भी इतने टीचर यहाँ हिंदी के आए हैं, लेकिन आपके जैसे टीचर नहीं मिले। और इस जी और कश्मीर में सर एक नया फर्स्ट पोस्टिंग था, पहले तो बहुत डर लग रहा था। घर वाले छोड़े कैसे सर, आपका घर वाले छोड़ दिया आपको जाने के लिए? नहीं, हमने क्या है ठान लिया था कि इंडिया के किसी भी कोने में नौकरी लगेगा तो चले जाएंगे सर। फिर जी इसके बाद एक कमिश्नर साहब थे कोठिया साहब, उन्होंने क्या है एक पॉलिसी के तहत कि जो हार्ड स्टेशन में 3 साल कंप्लीट किया है उसको उनके डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके स्टेट में भेजेंगे, और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए हमको, हमको मिला अमरकंटक। फिर अमरकंटक से फिर हम लगभग 2017 में कंप्लीट करने के बाद हम को फिर ट्रांसफर हो गया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सर, बलौदा बाजार में रहते हुए, अमरकंटक में ही रहते हुए पीएचडी और स्लेट निकाल लिए थे। इसके बाद सर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन टेस्ट दिया, तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन किया हम सर गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में। जब से हम यहीं सेवा दे रहे हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल हैं,
आप कहाँ से हो? आपके छोटा सा गांव है, एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, मिठौली गांव है। हमारे पिताजी और बाबा जी कृषक थे, पर उस समय के बहुत पहले की बात है कि संपन्न परिवार की खेती बाड़ी आज भी पर्याप्त है। एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर में ही है, कुछ खेती बाड़ी छत्तीसगढ़ में भी है और एमपी में भी। सर ये ननिहाल की प्रॉपर्टी उधर छत्तीसगढ़ में भी है। तो आपकी पढ़ाई आप कहाँ की, आपके गांव में की है कि आप शहर में आके किए? पीजी किया सर, यूजी और पीजी अंबिकापुर से किया सर, छत्तीसगढ़ से। और पीएचडी किया सर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से, यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद क्या है, बीएड किया सर, एक पीएसएम कॉलेज है प्रांतीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर, हमने वहां से बीएड किया था सर 97 जी। सर आप 20 साल शिक्षक रहे जी सर, आप 20 साल से शिक्षक है? आप शिक्षक ही हूँ सर, मैं अपने आप को शिक्षक ही मानता हूँ और 3-4 पीरियड पढ़ा। आज के तारीख में आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो? नहीं सर, मैं चेंबर में कम बैठता हूँ सर, बाहर ज्यादा क्लासरूम में ज्यादा बैठता हूँ। यही पूछ रहा था, क्योंकि एक बार आप शिक्षक हो जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे मजा नहीं आता होगा, बच्चों को जब देखेंगे तो मजा अलग है। जी मजा, वो तो बात सही है सर, लेकिन मैं जब नवोदय विद्यालय में था सर 20 साल, तो बच्चों के साथ मैं बहुत मिक्सअप रहता था, खेलता भी था और एनसीसी अफसर था, क्या है लगभग 13-14 साल था एनसीसी। तो जब एनसीसी अफसर था तो बच्चों से बड़े मेरा क्लोजनेस था, मतलब स्ट्रिक्टनेस और क्लोजनेस दोनों था, मतलब जिसने गलती किया उसके लिए फिर समझ लीजिए कि बहुत जी, लेकिन जो जो अच्छे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पर आप इतने जगहों गए हैं, आपको युवक जो है अभी जो कॉलेज में है, युवक के साथ में संपर्क ज्यादा है, हम लोग का भी जो है संपर्क युवक के साथ होता है और उनके, मतलब आपको कैसा लगता है सर, युवक के साथ में जो कनेक्शन है उनके बारे में आपको, उनके विचारधाराओं आपको कैसा लगता है कि आप जब देखेंगे युवकों को देखेंगे तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, आपके टाइम में आप कैसे थे और आज के टाइम में युवक कैसे हैं, आपको क्या अंतर दिखता है सर? नहीं सर, बहुत अंतर है, क्योंकि आज का युवक क्या है, सोचने में तो शायद तकनीकी युग की वजह से सारा चीज सर्च करके, वो जैसे पहले एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हमने 10 पेज एक एक चैप्टर पढ़ते थे तब हमको मिलता था, पर मोबाइल आज ऐसा आ गया है कि नेट में क्वेश्चन बोले नहीं उत्तर आ जाता है, तो जानकारी तो हो सकता है चंद क्षणों में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, पर जो परिश्रम है, जो पढ़कर लिखने का आदत है, वो नहीं है सर। आज हर कोई क्या है, बहुत सुविधा भोगी हो गया है, बच्चा भी हमारा सुविधा भोगी हो गया है, लिखना नहीं चाहेगा, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहेगा, सोचेगा मोबाइल से ही पढ़ लें, यूट्यूब से देखकर पढ़ लें, जबकि ये पढ़ाई नहीं है सर। जितना ये जितना ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे, जैसे आंख है, बोलकर पढ़ना है, कान से सुनना है और देखकर पढ़ना है, तो ये क्या है, उतना ज्यादा दिमाग सक्रिय होता है और दिमाग तेज होता है। और YouTube से देखते देखते लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं, सोते रहते हैं, सो गए जी सर। यही है सर अनुभव, जो टीचिंग का अनुभव है, और आज के बच्चे क्या है, मेहनत नहीं करना चाहता सर, और जो सही जो दिशा है
उनको लगभग नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो मन ये करना चाहते हैं, अपने मन से रहना चाहते हैं, पर मैं क्लासरूम में भी क्या है बैठकर इस पर मोरल एजुकेशन पर काफी बात करता हूँ। ये आपका कोचिंग के संबंध में, करियर काउंसलिंग के संबंध में, भाई बीए करने के बाद बीएड करना है, एमए करना है, छोटी मोटी नौकरी करना है, या आईटीआई करना है, बीटीआई करना है, या कोई भी बेरोजगार ना रहे, कुछ पैसे कमाने लग जाए, कमाते हुए पढ़े, हम खुद भी क्या है कमाते हुए पढ़ते थे सर, तब क्या है आगे बढ़े हैं और अभी भी पढ़ते ही रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं। बेटा जी क्या बात बोला, अभी भी पढ़ते रहते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट है ना सर। आप मुझे एक बताइए, आज के बच्चों में आपको दिखता है कि वो आगे की सोचते हैं क्या, क्योंकि आप जब फिनिश किए आपने और आप तो रेडी हो गए बारामूला में काम लेने के लिए, बहुत बड़ी बात है सर। आपके आप एक छोटी सी जगह से आए हैं और बारामूला में इतना टेंशन का टाइम था, आप गए क्योंकि आपको कुछ बनना था। आज के बच्चों में आप युवकों में आप देखते हैं क्या कि वो एक 10 साल के आगे की बात सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, गोल है, ये सब आप देख पाते हैं, ये सब होता है आज के बच्चों में, आप देख रहे हैं इस बारे में? सर होता है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि बच्चे क्या है हमसे ज्यादा एडवांस है, पर उसको यदि कार्य रूप में परिणित करें सर, जमीनी स्तर पर उसको क्या है लागू करेंगे तो वो जाके उसका सफल होंगे, पर जमीनी स्तर पर हाँ जमीनी स्तर पर उसको यदि नहीं प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल यदि करते हैं जिसको कहना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल करिए और मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तभी जीवन में सफल होंगे। अभी भी कई बच्चों से मैं बात कर रहा था कि जीके पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, मत भारत का जीके पढ़ना है, एमपी का जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तब जाके क्या है हम क्या कोई भी कंपटीशन को है फाइट कर पाएंगे, वरना क्या है पिछड़ जाएंगे। आज एक पटवारी की भी परीक्षा है, एक पुलिस की है, सबकी कंपटीशन होना है, तो जब हम कंपटीशन में जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। तकनीकी युग जरूर है, लेकिन तकनीकी का सही ढंग से यदि उपयोग करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और तकनीकी का यदि गलत उपयोग करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। सर आपने एक बात बताई, आपने बोला कि इंग्लिश सीखना है, आप एक हिंदी बेल्ट से हैं, वहां पे सब लोग हिंदी बात करते हैं, यूपी हो आपको, और आप एक टीचर हो मेन, आपको क्या लगता है इंग्लिश का बहुत महत्व है, इवन मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या नॉर्थ इंडिया हो, आपको क्या लगता है कि इसका बहुत महत्व है, अगर है तो क्यों है? इंग्लिश तो सर अंतरराष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले केजी वन या क्लास वन से इंग्लिश नहीं था, अभी 2-4 साल 10 साल से शुरू उन्होंने क्लास वन से कर दिया है, पर लैंग्वेज का इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हमको विदेश जाना है या एमपी से बाहर जाना है, बस 8-10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषी है, गिने चुने हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बाकी जगह सर उनका लोकल लैंग्वेज है या तो फिर इंग्लिश से ही उनको काम चले, जैसे केरल चले जाएंगे तो आपको मलयालम नहीं आएगा, तो आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है, बेंगलोर चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, हमने कई चीज सीखे हैं सर, खुद भी क्या है सीखना, कश्मीर में रह के काफी कुछ हमें इंग्लिश सीख गया था सर, क्योंकि वहां का जो राज्य की भाषा है उर्दू है,
तो उर्दू तो हमको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर इंग्लिश जरूर सीख रहे थे और काफी सीख गए थे। इसलिए हम तो अपने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदी के शिक्षक हैं तो हम तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। ये हमारी आप या कमजोरी समझिए चाहे तो हमारी व्यवसाय समझिए इसको। सर आपको आपको क्या लगता है बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए वो इंटरेस्टेड उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे, चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे? उत्सुक है सर, ये फर्क पड़ता है पारिवारिक माहौल सर। जैसे आप हम बहुत अच्छा इंग्लिश कॉलेज में पढ़ा दें, पर गांव में उनके माँ बाप अशिक्षित हैं, तो जब तक उसको क्या है इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है भूल जाएंगे। बहुत सारा समस्या, बहुत समस्याएं हैं सर। क्या है ये, एक तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है, या इंग्लिश बच्चे क्या है बहुत मुश्किल से क्या है एक आध लोग इंग्लिश से एमए कर पाते हैं। और जबकि मैं बता रहा हूँ सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ऐसी भाषा, इसमें नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारी पोस्ट खाली है सर, जिसने एमए इंग्लिश कर लिया और बीएड कर लिया, एमए हिंदी बीएड कर लिया, तो उसको नौकरी लगना ही लगना है। पर बच्चे क्या है ध्यान नहीं देते सर इस पर, क्या है ये सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है, और समाज में जागरूकता लाना है तभी परिवर्तन होगा सर। और ये माहौल की भी बात है, माहौल सर, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और आप जैसे लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्नति में हम लोग इंग्लिश लाइफ स्किल्स वैल्यू सिखाते हैं तो उनको नौकरी में बहुत फायदा होगा। अपने आपको कॉलेज में चल रहा है, कैसा लगा, अच्छा लगा? नहीं सर, मैं तो खुद सीखना चाहता हूँ, बच्चों को भी सीखने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं यादव जी को, अभिषेक यादव जी को बोला है कि मुझे क्या है दो तीन महीने सिखाई, बोले सर मैं एक महीने में सिखा दूंगा आपको, आप बस टाइम दीजिए। मैं कहा मुझे बता दीजिए तो मैं एक घंटे कॉलेज, एक घंटा पहले, डेढ़ घंटा, दो घंटा पहले आ जाऊंगा, मुझे मेरा क्लास ले लीजिए। तो बोले सर मैं पक्का सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या है बोलो जी, आपको आपने बच्चों में ये उन्नति के शिक्षा के बाद में आपने कुछ बदलाव देखा है, आपने नौकरी, उनके नौकरियों में मतलब कैंपस इंटरव्यू या जॉब मार्केट में कुछ फर्क आया है, आपने देखा है कुछ, क्योंकि अभी आपके यहाँ चल रहा था जी, आपको कुछ फर्क लगा क्या, कैसे आपका अनुभव कैसा रहा है? बच्चे क्या है सर, आज तो सर गवर्नमेंट की जॉब बहुत कम ही मिल रहा है, इसलिए क्या है कोई ना कोई साइड पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये सब क्या है बहुत बहुत ही जरूरी है आज के समय में, जिसका क्या है आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें भी क्या आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको आपने कभी देखा है सर ये काम का इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर कैसा रहा है? आपने देखा सर, अच्छा अच्छा कर रहे हैं बच्चे, अब बहुत उत्सुक थे क्योंकि टाइम से बच्चे इंतजार करते थे कि सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास ना हुआ, पर डे क्लास होता था। क्या है कि बच्चे यदि कोई काम घर में है, जरूरी काम है, तभी बच्चे नहीं आते थे, नहीं वरना क्या है बच्चे बहुत, हाँ बहुत आते थे, बहुत रुचि के साथ सीखते थे। सर ये जो प्रोग्राम हमने चलाया यू नेक्स्ट बोल के जी, इसके माध्यम से इनको नौकरी दिलाना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी ओर से अपने कॉलेज में कुछ फर्क महसूस किए कि इनको नौकरी, जॉब मेला हो, कैंपस इंटरव्यूज हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके यहाँ, और उसमें आपने कुछ
यहाँ पर अग्रणी हमारे कॉलेज है, मॉडल है कॉलेज है, आईटीआई है। यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए क्या है, बहुत कंपनियां आती हैं, वो कंपनियां सिलेक्ट करती हैं हमको सर, और कुछ बच्चे हमारे लग भी रहे हैं कि डाटा नहीं हमारे पास, पर बच्चे क्या है कुछ जॉब में आ रहे हैं सर। तो आप अगर देखोगे कि यूनेक्स्ट किया हुआ बच्चे और नहीं किया हुआ बच्चे दो है, आपको कुछ फर्क दिख रहा है कि किसके? बहुत फर्क दिखता है, क्या है दोनों बच्चों में एक अलग ही अंतर दिखेगा आपको, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज पे और उनकी पढ़ाई पर, वो बाहर से ही स्पष्ट दिखाई देता है, झलकता है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए, मतलब रियल में बहुत अच्छा लगा सर, आप इतने बड़े अफसर हैं और मुझे मुझे बहुत कुछ सीख, मैं आपसे वार्तालाप करूंगा तभी मुझे सीखने को मिलता है, कैसे है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मुझे और क्या करना चाहिए। तो आगे चलते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक साइकोमेट्रिक शुरू किए हैं, इसके कारण शॉर्ट एनालिसिस हो जाएगा, बच्चों को 6 पेज का रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा उद्योगम बोलते पोर्टल की है, जिसमें रिज्यूम और वीडियो रिज्यूम भी आए, बहुत फायदा होगा नौकरी के लिए भी। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी और अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट में कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जी बताइए सर, कोई सुझाव होगा तो जरूर बताइए, अभी बता सकते हैं, मैसेज कुछ है तो बता दीजिए सर, कोई भी अगर जाते जाते आपका कुछ सुझाव या है तो बताइए। नहीं नहीं सब ठीक है, जो भी होगा फिर हमने क्या है सर, कोई बात दिमाग में आता है तो आपसे जरूर शेयर करूंगा, जरूर आपसे, या मुझे कोई सलाह लेना होगा पर मैं आपको रिंग करूंगा। ठीक सर, थैंक यू, थैंक्स, ओके, धन्यवाद।